Hi everyone, hi again and एंड सॉरी फॉर video. वीडियो वो पता नहीं कब वो म्यूट हो गया था मेरे को पता नहीं चला मुझे लगा कि मेरे ही फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही थी तो अभी मैं पूरा वीडियो डिटेल में तो नहीं बना पाऊँगी तो मैं शॉर्ट बता देती हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ाया था वो वीडियो काफ़ी मेहनत से मैंने आज बनाई थी वैसे वैसे रोज़ ही बनती है बट फिर भी अब देख लेते हैं तो टॉप हेडलाइंस जो हम आज डिस्कस करेंगे उसके बाद हम एडिटोरियल ही इम्पॉर्टेंट आज के न्यू कंसर्न अर्ली लोकस्ट दे कॉशनरी टेल द नेक्स्ट आर्टिकल इज द डिसेंट एक्सचेंज तो थोड़ा बता देती हूँ जो न्यू कंसर्न अर्ली लोकस्ट है तो जो एक लोकस्ट आपको बता हुआ ग्रास सोपर की कैटेगरी स्पीसीज होती है मतलब जो टिड्डी होती है टिड्डियों का दल जो होता है ठीक है तो उसके बारे में पढ़ेंगे इसके अलावा कॉशनरी जो टेल है वो जो विजाक गैस लीक हुई है विशाखापट्टनम में उससे रिलेटेड है द डिसेंट एक्सचेंज है ट्रेजिडी ट्रेजिडी ऑन ट्रैक्स है तो ये जो अभी औरंगाबाद में ट्रेन में जो एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन से रिलेटेड तो वो पढ़ेंगे द इकोनॉमिक मैले इकोनॉमिक से रिलेटेड है क्या क्या कंसर्न है हमारे और कैसे उनको टैकल किया जा सकता है लेट डाउन बाय लॉ ठीक है इसमें एक लॉ है वर्कमैन वाला तो उसके बारे में बताया था मैंने इसके अलावा आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो थी फर्स्ट बैच ऑफ वन सिक्सटी एट इंडियन स्टूडेंट्स फ्राम ढाका अराइव्स इन श्रीनगर अंडर वंदे भारत मिशन तो मेनली जो स्टूडेंट्स को लाने का विदेशों में जो लोग हैं भारतीय है, उनको लाने के लिए क्या प्रोग्राम चला है वंदे भारत मिशन ठीक है तो सऊदी अरेबिया से भी जो है वो कोची कोडे पहुँच चुके हैं और इसके अलावा अराउंड सेवन फिफ्टी इंडियन नेशनल्स एम फॉर कोची फ्रॉम माले अंडर ऑपरेशन समुद्र सेतु ठीक है तो समुद्र सेतु से, तो ऑपरेशन भी अलग है इसके अलावा रिकवरी रेट ऑफ कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स इंप्रूव हो चुका है ट्वेंटी नाइन पॉइंट थर्टी सिक्स परसेंट ठीक है तो हेल्थ मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है और 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो होंगी वो दो लाख माइग्रेंट्स को लेकर जाएंगी सी बी एस टू कंडक्ट पेंडिंग क्लास जो दसवीं और बारहवीं के जो एग्ज़ाम्स रुक गए थे बोर्ड के तो वो एक से पंद्रह जुलाई के बीच में होंगे एच आर डी मिनिस्टर ने ऐसा कहा है ठीक है इसके अलावा है भारत और ए आई बी ने पचास करोड़ डॉलर की कोविड नाइन्टीन आपात कार्रवाई तो स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किए तो मैं एक बता देती हूँ अब जो ये लोकस्ट है तो ये सबसे पहले कुछ टाइम पहले अगर आपने न्यूज़ किया है तो ये आए थे वहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते होते ये मिडिल ईस्ट ठीक है मिडिल ईस्ट से फिर ईरान ईरान से पाकिस्तान पाकिस्तान से भारत तो जो एफ है ठीक है फू, फूड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो इन्होंने एडवाइजरी भी रिलीज़ की थी कि पाकिस्तान और इंडिया जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं तो उनको अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये डेजर्ट लोकस्ट जो है इनक्रीजेज़ इन हॉर्न अफ्रीका ऑलरेडी हो चुके हैं तो ये यहाँ पर भी आ सकते हैं तो पहले आप ये वीडियो देख सकते हो इस वीडियो में इसमें यही बताया गया है शायद दोबारा से म्यूज़ हो जाएगी कोई तो आवाज़ मेरी तो थोड़ी सी आवाज़ आने तो मतलब ये पता होना चाहिए कि ये इतनी ज़्यादा मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू किल ऐसी है ये ठीक है टिड्डियों की तो ये क्या है मतलब एक तो देखो इनमें आपने देखा ही कि उड़ने की कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है एक साथ ये अब हमारी कोई वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो करीब आठ बिलियन अराउंड लोग होंगे ठीक है लेकिन इनकी टू हंड्रेड बिलियन जो होते हैं एक सौ में ये होते हैं तो दस हफ्ते तक ये पूरे जो टिड्डी रहते हैं ये जीवित भी रहते हैं ठीक है ठीके? लाइफ साइकिल इनका ऐसा रहता है और मेनली ये ऐसा नहीं है कि जैसे ऑफ अफ्रीका से अगर ये मिडिल ईस्ट और इंडिया साउथ एशिया की साइड आ रहे तो ये क्या हो जाएंगे Uh, उतने ही रहेंगे संख्या में ये क्या करते जाते हैं रिप्रोड्यूस करते जाते हैं तो ये अपनी आबादी को इस तरह से बीस गुना भी बढ़ा देते हैं ठीक है तो और दूसरी चीज़ ये कि उनको तो अगर उस टाइम पे मतलब इनकी पॉपुलेशन कम करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है जब ये ब्रीडिंग कर रहे होते हैं तो तभी इसकी पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं इसके बाद देर इज़ नो अल्टरनेटिव ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा ही खतरा है अभी अभी कल ही मैंने बोला था कि टू जो है काफ़ी ज़्यादा ही वर्स्ट एरियर एर ईयर है मतलब इतने सालों में इतने सारे पेंडेमिक के बाद एक से एक हो रहा है अगर ये भी हो गया तो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा क्रॉप्स वगैरह जो है सब डिस्टर्ब हो जाएंगे है ना तो मेनली मतलब ये क्या होता था लोकस जुलाई से अक्टूबर के बीच में आते थे लेकिन अभी जो है राजस्थान में भी ये आने लगे हैं और लेकिन बोला गया है कि जो जितने भी मतलब जो रबी सीज़न है रबी क्रॉप्स है तो वो तो ऑलरेडी हो चुकी है हार्वेस्ट लेकिन जो अब खरीफ सीज़न है तो वो होगी तो उसके लिए ज़्यादा ये हार्मफुल हो सकते हैं ठीक है थीके? अब थोड़ा बहुत बार इसके बारे में देख लेते हैं तो ये यहाँ पर है लेट मे मिड जून ठीक है तो ब्रीडिंग मूवमेंट्स एंड मे टू जून ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका मेनली जो सोमालिया इथियोपिया केन्या तो ये कंट्रीज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं तो यहाँ पे स्वाम के आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गए हैं ये और ये फिर यहाँ से आ रहे हैं मिडिल ईस्ट जो ओमान यमन और सऊदी अरेबिया है इसके अलावा फिर ये इराक और इराक़ पाकिस्तान फिर इंडिया तो जनरली वैसे होता क्या है कि जब भी ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में आते हैं आपको पता है पंजाब में एक प्रांत है फजल का है ना तो वहाँ पर क्या आते हैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर से भी लगते हैं तो पहले तो ये होता था कि हमारी कंट्रीज़ डाटा शेयर कर लेती थी एक दूसरे के साथ ताकि हमारे जो किसान है उनको मतलब इस डिस्ट्रक्शन का भागी ना बनना पड़े है ना ये सारे उनको क्योंकि बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं तो चाहे कितने भी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हों पाकिस्तान इंडिया के बीच में लेकिन फिर भी ये डाटा शेयर होता था अब देखते हैं क्या होता है अभी पैंडेमिक वाली सिचुएशन में है ना तो यहाँ पे देख लेते हैं तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया है शायद कि ये जो है वन किलोमीटर एक दिन में ये स्पीड इनकी होती है और मेनली मतलब क्या होते हैं हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ जो पहले वीडियो में बता चुकी थी कि ये हमारे इंडिया में चार कैटेगरी के होते हैं एक डिजर्ट लोकस्ट होते हैं दूसरे माइग्रोट्री लोकस्ट होते हैं थर्ड होते हैं बॉम्बे लोकस्ट और फोर्थ होते हैं ट्री लोकस्ट ठीक है तो अभी जो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है ये डेजर्ट लोकस की हो रही है ठीक है डेजर्ट लोकस जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल और बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ठीक है ये आप इनका साइंटिफिक नेम भी देख सकते हो ग्रेगारिया करके कुछ है ना ए शॉर्ट हॉर्न ग्रास ओपर दैट इज़ इन कॉन्शस वाइल्ड इट इज़ इन सॉलिटरी फेज ठीक है एंड मूविंग अबाउट इंडिपेंडेंटली तो ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है इसको टैकल करना और अगर, अगर बात करें कि कैसे किया जाता है क्या क्या कुछ मेजर होते हैं इनके है ना ये है देखो अब मतलब जो केनिया इथोपिया और ये सारी जो कंट्रीज़ है ना तो ये बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज से जूझ रही हैं आज के डेट में ठीक है इसी वजह से ये हो रहा है एक रीज़न इसका ये भी है इसके अलावा डब्ल्यू सॉरी एल डब्ल्यू ओ जो है यानी कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन तो ये सारा इन पे देखता है इनको तो ये जोधपुर राजस्थान में इनका हेडकोर्टर है तो ये इन्होंने बोला है कि अभी अभी मतलब ये इनिशियल फेज़ में है यहाँ पर तो आगे हो सकता है डिस्ट्रक्टिव ठीक है तो मेन जो है इसको टैकल करने के लिए वो क्या है आ, एक यहाँ पे मैं बताती हूँ पॉली पॉलीमेगस मतलब सबसे पहले तो ऐसे यहाँ पे प्रोग्राम की बात की गई है ना कि मतलब क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम्स की बात की गई है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये सबसे पहले क्या होता है कि बहुत टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनको ये डैमेज कर सकते हैं खा सकते हैं लगभग अराउंड जो थर्टी फाइव थाउजेंड पीपल को फीड किया जाता है एक दिन में तो ये एक लोकस उतनी जो फसल है वो खा जाता है ना तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें लोकस मतलब इतने रेपिडली ये डिस्ट्रक्ट करते हैं इसके अलावा जो क्या होता है ये आ, बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई रैपिडली ये ग्रो करते हैं ठीक है ठीके? और जो आ, मादा जो फीमेल डेजर्ट लोकस्ट होती है तो वो एक दिन में आ, एक दिन में नहीं मतलब मतलब नाइन्टी डेज़ का इनका लाइफ साइकिल होता है तो ये सिक्सटी से एट्टी डेज एग्स जो है ले ले करती हैं है ना तो ये भी है तो इनको कम करने के लिए यही है कि आ, क्या कर सकते हैं जो ट्रैक्टर वगैरह है तो उसमें स्प्रेज को माउंटेंड करके फिर इन्फेस्टेड एरियाज में छिड़काव किया जा सकता है इसके अलावा एक इंसेक्टिसाइड आता है इसके लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट मेनली उसमें क्या आता है मेलेथाइन ठीक है मेलेथाइन तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ये दिख रहा होगा इंसेक्टिसाइड मेलाथाइन ठीक है नाइन्टी सिक्स परसेंट अल्ट्रा लो वॉल्यूम एरियल एप्लीकेशन तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगेंस्ट लोकस्ट और अबाउट वन लीटर ऑफ द केमिकल इज़ नेसेसरी टू ट्रीट अ हेक्टेयर ऑफ़ their breeding एरियाज ठीक है तो ये सारी चीजें इसमें तो इसके अलावा ड्रोन वगैरह से सर्विलेंस तो वगैरह तो होता ही रहता है और अभी हमारे पास ऐसा बोला जा रहा है कि एडिक्वेट जो एम्पल स्टॉक है पेस्टिसाइड्स का तो वो है तो इतना ज़्यादा जड़ने की डरने की ज़रूरत नहीं है और लॉकडाउन में भी मतलब जो ये आ, ऑपरेशन होंगे तो टेक्निकली भी ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये चलते रहेंगे लेकिन हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए कॉशनरी जो टेल था विजा गैस लीक से रिलेटेड ही था ठीक है प्रॉपर क्विकली अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स अदर केमिकल प्लांट्स रे स्टार्टिंग ऑपरेशन मस्ट भी चेक अगर मैं स्पीड से बोल रही हूँ तो यू कैन स्लो दिस वीडियो और अगर स्लो बोल रही हूँ तो आप इस वीडियो को आप देख सकते हो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग ठीक है तो क्योंकि मैं अब दोबारा बना रही हूँ तो अब देख लेते हैं टू थाउजेंड पीपल अफेक्टेड इन अ फाइव किलोमीटर रेडियस अब मैंने कल ही डिस्कस किया था विजाग यानी कि विशाखापट्टनमें एल जी पॉलीमर फैक्ट्री है वहाँ पर गैस लीक हो गई थी गैस का नाम क्या था इस्टायरिन इस्टरिन जो होती है एक कलरलेस गैस होती है और मेनली जिसका यूज़ होता है पॉलिस टायरिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में ठीक है पॉलिस मतलब इसमें क्या क्या जैसे पाइप्स में यूज़ होता है ऑटो तो, मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं पैकेजिंग मटेरियल ठीक है लगेजेस, शूज़ टॉयज़ फ्लोर वैक्सेस, कैट कटलरीज़ वग़ैरह तो इन सब में होती है ये यू यूज़ और इसके अलावा हाँ एक और चीज़ सिगरेट और जो स्मोक है एंड वेकल जो है दे ऑल्सो कंटेन स्टायरिन तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अफेक्ट कैसे करती है व्यक्ति को सबसे पहले उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है फिर धीरे धीरे उसके थ्रोट फिर स्किन फिर आइज एंड देन उसको पूरी बर्निंग सेंसेशन होने लगती है और वो कुलैप्स हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें इसके अलावा अभी जो सेंटर है तो उन्होंने एक सी बी आर एन की टीम भेजी है सी बी आर एन मतलब सी फॉर केमिकल बी फॉर बायोलॉजिकल एंड आर फॉर रेडियोलॉजिकल एंड एन फॉर न्यू न्यूक्लियर टीम ठीक है तो ये टीम भेजिए तो ये सारे वहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये गैस लीक हुई थी और मतलब आपको पता होगा कि उन्नीस में भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई थी जहाँ पे जो कार्बाइड फैक्ट्री थी तो वहाँ पे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है ना तो वहाँ पे ये मीथेन आइसोसाइनाइड लीक हो गई थी है ना तो तब से मतलब और आज तक जो इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं तो क्या वो मतलब वैसे ही हैं उस पर क्यों नहीं मतलब और फोकस किया गया है ना तो ये सारी चीज़ की है क्योंकि आपको पता है फोर्टी डेज़ का जो लॉकडाउन था उसके बाद अचानक से मतलब ये सारे जो रिज़्यूम किए गए ऑपरेशनल हुआ तो ऐसी चीज़ें होनी थी मतलब इसकी कैसे ये सब हो गया ना तो यही सब इसमें बोला गया है तो उनके इनके पास फिफ्टी करोड़ रुपीज़ का फाइन भी लगा है भी है, हुआ है और नोटिस भी इशू किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दें स्टेट एंड द सेंटर और कल्पेबल होमोसाइड और एफआईआर ये सब फाइल हुआ है ठीक है आईपीसी के तहत इंडियन पेनल कोड के तहत और फाइव मेम्बर की टीम भी ये जाँच कर रही है इसकी और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर हैडवाइज केमिकल प्लांट्स टू रीओपन विद कॉशन ठीक है caution, अभी ये सब बोला गया है कि जो भी अन्य फैक्ट्रीज हैं वो कॉशन के साथ ओपन की जानी चाहिए इसके अलावा अगर एल पॉलीमर पॉलिमर की बात करें तो ये मतलब विजाग जो विशाखापट्टनम है उससे शहर से काफ़ी दूर भी था ये है ना कल दिखाया था मैंने उसमें मैप में और थ्री किलोमीटर के या पाँच किलोमीटर के जो रेड, रेडियस है वहाँ तक ये फैल गया था और अगर ये 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर था ठीक है लेकिन बाद में इसको न, मतलब जो मर्ज कर दिया था मैकडोयल और यू बी ग्रुप ने 1978 में फिर एक्वायर कर लिया था साउथ कोरियन कंपनी ने है ना एलजी केमिकल फिर उन्नीस में इसका नाम रीनेम कर दिया था एलजी पॉलीमर ठीक है तो ये इसकी हिस्ट्री थी इसके अलावा जो असीट एट द टेबल है तो ये यू से रिलेटेड है ठीक है तो इतना ज़्यादा तो इसमें कुछ खास है नहीं आ, और डाउन बाय लॉ जो है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 से रिलेटेड है तो ये यही बोला गया है कि इसको रैशनलाइज करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको रैशनलाइज करना और मेनली ये है क्या एक्ट उसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले ठीक है तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्क वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट नाइनटीन ये एक्ट क्या करता है ये जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर्स के शोषण से बचाता है और वो क्या करता है कि रोज़गार के उनको फेयर एंड डिसेंट कंडीशंस उपलब्ध हों ये इंश्योर करता है इसके अलावा जितने भी इंटरेस्टेड माइग्रेंट्स हैं उनकी हायरिंग ये सब रजिस्टर्ड होती है कॉन्ट्रैक्टर्स जो रिक्रूट करते हैं ठीक है वो लाइसेंस उनको दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल वर्क टू द रिलेवेंट अथॉरिटी माइग्रेंट वर्क आर इंटाइटल टू वेजेस सिमिलर टू अदर वर्कमैन जो अलाउंसेज होते हैं यात्रा भत्ता होता है ठीक है ये सब उनको टाइमली दिया जाता है अकोमोडेशन मतलब जो रहने के लिए निवास के लिए उनका मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उनको दी जाती है उनको प्रोटेक्टिव क्लोदिंग फॉर द वर्क तो ये सारी इसके कुछ मुख्य ते हैं तो यही चीज बोली जा रही है कि इसको क्या करना चाहिए जल्दी से इंश्योर करना चाहिए नहीं तो कंट्री में क्या हो गए टू टू टीयर सिस्टम हो गया टू टीयर सिस्टम कैसे कि एक तो फॉर्मल सेक्टर हो गया एक इनफॉर्मल आपको पता होगा कि फॉर्मल जो है हमारी कंट्री का टेन परसेंट ऑफ द वर्क मोन वर्क वर्क फोर्स आर फॉर्मल ठीक है फॉर्मल सेक्टर यानी कि औपचारिक क्षेत्र में है और इनफॉर्मल में बाकी नाइन्टी परसेंट है तो उनको इनफॉर्मल वालों को तो कोई भी प्रोटेक्शन कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी लेकिन जो ये जो टेन परसेंट पॉपुलेशन है फॉर्मल सेक्टर की उनको क्या मिलता है प्रोटेक्शन भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे इंसेंटिव इन, भी मिलते हैं ना तो ये टू टेयर सिस्टम हो गया और अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो गाँव में क्या हो गया कि जैसे मनरेगा जैसे स्कीम है गाँव के लिए फिर भी लेकिन अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए कोई भी स्कीम नहीं है ना तो ये सारी चीज़ बोले गए कि इसको मस्ट इसको रिकोगनाइज़ करना चाहिए रैशनलाइज करना चाहिए स्टोरी ऑफ द नो पीपल तो ये हाउ शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल विजन एंड पब्लिक पॉलिसी हेफ कंस्पायर्ड टू क्रिएट अ माइग्रेंट प्रॉब्लम देर इज नो मोर टर्निंग अवे तो ये भी माइग्रेंट की प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है कि Uh, ये मतलब बताता नहीं है आर्टिकल कि कैसे क्या वैलिड क्वेश्चन है बट इनस्टिट अटैम्प टू अनवल हु द माइग्रेंट्स आर एंड वाई दे रिमेन मार्जलाइज्ड फॉर डिकेट्स मतलब देखो इसमें यह बोला गया है कि क्यों हम तो मतलब सरकार बार बार बोल रही है ना कि हमने इनको खाना दिया है हम सबको जो डेली के जो स्लम ड्वेलर्स हैं वो फ्री राशन उनको हम लास्ट सिक्स वीक से प्रोवाइड कर रहे हैं वुमेन महिलाओं को मनी मिल रही है पेंशनर को उनकी जो इनकम है डिपॉजिट्स हैं वो डबल हो गए हैं दे निडी ट दी ड्यू वट हॉट मील्स ट्वाइस अ डे मतलब जितना पटना की जो पॉपुलेशन है दो मिलियन के करीब लोगों को हम फीड कर रहे हैं ना तो एक दिन में चौबीस घंटे के अंदर हम दो बार खाना भी दे रहे हैं सबको तो लेकिन हम फिर भी उसके बाद भी माइग्रेंट्स को टेलीविज़न की स्क्रीन पे कंप्लेन शिकायत करते हुए क्यों देखते हैं कि वो बोल रहे हैं कि वो तो भूखे हैं है ना उनको नहीं मिल रहा खाना और सुप्रीम कोर्ट भी क्यों बार बार ये एडवाइजरी जारी कर रहा है कि सबके लिए लॉकडाउन के टाइम पर आप एक राशन कार्ड उपलब्ध कराओ क्या पहले ऐसा नहीं था मतलब सबके लिए अलग अलग कैटेगराइजेशन था तो इस अ डिफरेंस बिटवीन स्लम डोलर्स एंड माइग्रेंट सीजनल और परमानेंट सेटल और एस्टेंडेंट तो टू अंडरस्टैंड दिस वन हैज़ टू सी द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पॉलिसीज गवर्निंग द पोलिटिकल इकोनॉमी तो अगर हम अपने संविधान की बात करें तो संविधान के अनुसार जो हमारा शहरी विकास है वो किसकी जिम्मेदारी है वो म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स की है और उसी में एक आता है माइग्रेंट माइग्रेशन का मैनेजमेंट करना ठीक है तो सेंटर क्या कर सकता है डायरेक्शन दे सकता है स्टेट्स को स्टेट्स हैव द पावर्स टू लेजिस्लेट एंड ऑन अर्बन मैटर्स तो वो शहरी विकास जो मामले हैं वो लॉ बना सकते हैं स्टेट्स लाइक मच चल्स पॉलिसी आर डिटर्मेंड बाई वेयर दी पोलिटिकल एडवांटेज लाइज सो ये सारा चीज़ें कंसर्न हैं ये सारी चीज़ें इसमें रेस किए गए हैं मराठी मानसून सिंड्रोम के बारे में बताया कि केस इन पॉइंट पोलिटिकल पार्टीज फाइंड इट डिफिकल्ट एंड अनप्रोडक्टिव टू प्रमोट माइग्रेट्स विद नो रूट्स एज वोटर कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक है तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए उनको मतलब हमारा जो ये पैंडेमिक का सिचुएशन है और इसमें ये सारी बातें सोचनी चाहिए कि क्यों मतलब इक्वलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा डिस्पे क्यों भेदभाव क्यों है इतना ज़्यादा ठीक है तो ये सब चीज़ें आधार कार्ड जो होता है वो के के स्टार्ट हो सकता है माइग्रेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो यही सब चीज़ें ट्रेजिडी और ट्रैक्स जो है औरंगाबाद इंसिडेंट था तो वो लोग जो थे माइग्रेंट्स वो सब सोच रहे थे कि कोई ट्रेन चल ही नहीं रही है लॉकडाउन के कारण तो लेकिन फिर भी वो स्पेशल श्रमिक ट्रेन के लिए गए थे वैसे बट उन्होंने सोचा कि नहीं आ रही है क्योंकि उनको नहीं मिल पाई थी तो वो वहीं पे थके हार के सो गए थे तो उसके बाद ही जो गुड्स की ट्रेन है मालगाड़ी वगैरह तो चली रही थी तो वो आई और उनकी डेथ हो गई ठीक है तो अमंग इज़ द डिफाइनिंग मेजर ऑफ द लॉकडाउन मतलब इतनी ज़्यादा बुरी बुरी तस्वीरें आ रही हैं मतलब जो देखने लायक नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं कि जैसे कोई माइग्रेंट्स है वो अपने कोई नंगे पैर भी जा रहा है कोई अपने बच्चों को ले जा रहा है साथ में कोई फैमिली uh, मेम्बर जो एल्डरली फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अपने शोल्डर्स पे ले जा रहा है इन द आर्म्स है ना दे हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ मैनी वर्कर्स कोलेपसिंग बाय द वे साइड वी कैन बाय हंगर एंड फटीक सिक्सटीन मोर नेम्स वर एडेड ऑन फ्राइडे टू दैनडिंग टू टॉल ऑफ माइग्रेंट्स रन ओवर बाय फ्लाइट ट्रेन औरंगाबाद महाराष्ट्र ठीक है ये वहाँ के लिए जा रहे थे जालना मतलब ये आयरन फैक्ट्री जालना में काम करते थे लेकिन ये अब अपने गाँव मध्य प्रदेश में जा रहे थे ठीक है तो बस यही चीज़ बोला हुआ है कि अगर एक अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2017 का जो था उसमें यह बोला गया था कि नाइन मिलियन पीपल माइग्रेट अक्रॉस स्टेट्स एवरीवेयर एवरी ईयर बट अदर स्टडीज सजेस्ट दैट दिस कुड बी अ कंजर्वेटिव एस्टिमेंट एस्टीमेट ठीक है और एक लेबर फोर्स सर्वे भी है पी एल एफ एस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दो हज़ार का तो उन्होंने ये बोला था कि सत्तर वर्कर्स जो हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में विद रेगुलर सैलरी और सारे उनमें से ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं जिनके पास मतलब कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पचपन

और मैंने काफ़ी ज़्यादा आज बोल चुके यार है ना तो बस इतना बहुत है हाँ जो वो आर्टिकल था एक आ, उससे रिलेटेड इकोनॉमी से तो उसमें वही था ट्विन बैलेंस शीट के बारे में बताया गया था पी ठीक है तो पी आ, क्या है आ, जो पब्लिक सेंटर मतलब ट्विन बैलेंस शीट वैसे पता होना चाहिए कि क्या होता है आ, अगर सपोज़ कि जो वो है आई मीन I mean, लैंडर uh, बैंक हो गया और बोर uh, क्या हो गए कॉरपोरेट्स हो गए ठीक है तो जो कॉरपोरेट हाउसेज़ और पी पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक्स की जो uh, मतलब टेरेबल शेप में वो रहते हैं जब वो एन वगैरह नहीं चुपका पाते बढ़ जाते हैं तो तब तो इन बैलेंस शीट की समस्या उभर कर आती है ठीक है और यही चीज़ बोला गया था उसमें कि एन की प्रॉब्लम है रियल इस्टेट सेक्टर बहुत बुरी तरह से है मतलब अभी उनकी हालत तो बहुत बेकार है इसके अलावा क्या बोला गया है कि मतलब हर प्रकार की जो सेक्टर्स हैं फॉर्म्स हैं तो वो अपने गुड्स वगैरह नहीं सेल कर पा रहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बीन अनेबल टू अर्न है ना और जो डैमेज है टू देयर फिनेंशियल पोजिशन हैज़ बीन सीवियर तो ये सारे मतलब चीज़ें बोली गई थी एन क्योंकि हमारे जो है पाँच लाख करोड़ से ज़्यादा होंगे और ऑलमोस्ट अट्ठारह लाख के करोड़ ये हो जाएगा ठीक है और इसके अलावा uh, अभी थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे जो याद आ रही हैं तो यही था कि 2008-09 में गवर्नमेंट के पास जब ट्विन बैलेंस शीट का जो चैलेंज आया था तो उसमें क्या था कि उस टाइम पे तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस बैलेंसिंग शीट थी सरकार के पास डिफिसिट जो थे बहुत ज़्यादा लो थे ठीक है घाटे उनके पास मतलब वो रिकैपिटलाइज कर सकते थे लेकिन अभी क्या है डिफिसिट और जो डेट्स हैं वो सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं उनके घाटा भी बढ़ रहा है ऋण भी बढ़ रहे हैं ठीक है, है सेंटर स्टेट दोनों के इसके अलावा जो रेवेन्यू है राजस्व वो बहुत स्लो डाउन तो पहले से ही था अभी कोविड क्राइसिस के बाद और ज़्यादा हो गया है तो ये सारे जो बर्डन है वो गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है कि कॉरपोरेट हाउसेज़ और जो हाउस होल्ड सेक्टर्स है तो उनके पास शिफ्ट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ हायर टैक्सेस ठीक है तो हायर हाँ, इन्फ्लेशन ये सब लगेगा तो बस यही सब चीज़ था इसको रिकवरी के लिए मतलब वही बैड लोन्स को स्पीडी स्पीडी तरीके से क्या करना चाहिए रिकवर करना चाहिए एन से रिकवर होना चाहिए तब भी ये सही शेप में आएगी इकोनॉमी एक तो थैंक यू हैव अ नाइस डे लाइक करें शेयर करें और